इस समय ट्रेड के थोड़ा सा हमें एग्जीक्यूशन में इश्यू आएगा और हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर करता क्या है। अगर मार्केट यहाँ पर मूव लेके गया ऊपर तो अच्छा मूव लेके चला जाएगा, वेट एंड वॉच। अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सेल में आ गया। देखो ये निफ्टी, निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अच्छा खासा सेल में गया, अभी भी सेल में ही है। लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखें ये तो अच्छा सेल में जाने को तैयार ही नहीं है सेल में जाने को। तो हमें कम से कम वेट करना पड़ेगा या नहीं, थोड़ा सा वेट करें। निफ्टी बैंक क्या कर सकता है, निफ्टी बैंक नीचे आ सकता है, लेकिन निफ्टी क्या जा सकता है, देखो निफ्टी तो नहीं आ रहा। अभी ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या, मार्केट जाने को तैयार नहीं है नीचे और हमें और वेट करना चाहिए थोड़ा सा। बताएं थोड़ा सा वेट। अभी देखो ये इश्यूज बहुत सारे होते हैं जब आप ट्रेड करते हो, इसलिए जब भी कभी ट्रेड करो तो अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी को जरूर देख लो कि कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बाय में नहीं आया, ये तब तक बाय में नहीं आएगा जब तक ये क्रॉसओवर नहीं कर देगा, और अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है, वापस सेल में आएगा अभी, लेकिन अभी टाइम लेगा थोड़ा सा। लेकिन कभी कभी क्या करता है ये, भाई ये ऊपर जाएगा, ये मान लिया हमने ऊपर बैठ गया, ये इसको भी ऊपर ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है, तो इसलिए हमें कम से कम इसके वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा कि ये वापस आ जाए। अगर अपने का इसके 5 मूविंग एवरेज के नीचे चलेगा तो हमारा एक सेल बन जाएगा, तब आप सेलिंग में आराम से जा पाओगे, पर अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाए अभी, क्योंकि अभी मार्केट आया नहीं है बाय सेल में। देखो ये आपके पास क्या कर रहा है, सेलिंग, लेकिन ये नहीं आया, इसको मेरे को चाहिए, और किसके नीचे चाहिए कोई भी बता दे। यस, किसके नीचे चाहिए मार्केट, 5 मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा या नहीं, बताओ। जी सर, तब तक आप इंतजार करो, आराम से बैठ के और वेट करो कि देखो मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट मूव करना शुरू किया तो बड़ा अच्छा मूव कर सकता है डाउन में, मार्केट के पास बहुत अच्छे चांस है, बहुत अच्छे चांस है मार्केट के पास में। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बस, अगर थोड़ा सा वेट कर लोगे तो मार्केट आपको मूव दे जाएगा, अच्छा वहां से बड़ा अच्छा मूव एक्सपेक्ट भी होगा। लेकिन मार्केट अभी बाय में नहीं गया ना सेल में, तो अब मैं वेट करूंगा मार्केट यहां क्या करेगा। ये सेल में बैठा है, ये बाय में बैठा है, दोनों उल्टे बैठे। अब या तो ये बाय में जाएगा, एक केस राइट है, और बाय में जाएगा तो अपने ओपन के ऊपर जाके इसके ऊपर बैठेगा तो अपना बाय बनाएगा। मैंने बोला ट्रेडर को दोनों साइड रहना चाहिए, राइट, हमेशा दोनों साइड रहोगे। कौन सी पोजिशन कब आपको चेंज करनी पड़ सकती है ये आपको भी नहीं पता होगा, अपने मार्केट के अकॉर्डिंग करोगे। और देखो यहां मार्केट क्या कर रहा है, जा रहा है क्या बताओ, नहीं जा रहा। अब ये चलना शुरू हुआ नीचे, ये चलना शुरू हुआ नीचे, और क्या ये आ गया नीचे। अब देखो देखो 5 मिनट की एक और कैंडल बन गई, क्या क्या दिक्कत हो रही है, आप लोग बताएं क्या दिख रहा है आपको, सर बैंक क्या निफ्टी नीचे बैंक जाने की तैयारी में, 50 सर 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है। इसका मतलब अभी मेरे को वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा या नहीं, यस सर, यस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट क्या करता है। मैंने इसलिए बोला मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करना, मार्केट जितना आपको परेशान कर सकता है उतना मार्केट आपको दे भी सकता है। अब देखो निफ्टी बैंक में अब क्या शुरू हुआ बताएं, यस क्या रिजेक्शन शुरू हुआ, रिजेक्शन रिजेक्शन शुरू हुआ। अब क्या रिजेक्शन लेने के लिए मार्केट को क्या करना चाहिए जरा बताएं, सर, पिछले कोई ग्रीन भी के नीचे सर आना चाहिए कम से कम। पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे आना चाहिए, राइट है, क्या मार्केट पिछली वाली ग्रीन कैंडल के नीचे आ गया बताए, नहीं नहीं आए। अब मार्केट ने शुरू किया अपना काम, अगर यहां देखोगे मार्केट ने अब वर्क शुरू किया है, तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए, अगर ये सेल में आना है तो इसको इसके नीचे कम से कम आना पड़ेगा ना, यस यस सर, सही पॉइंट है या नहीं, बिल्कुल सही है उसके सर। नीचे चलेगा, नीचे चलेगा तब मार्केट अपनी सेलिंग पकड़ सकता है, तो अभी सेलिंग आई नहीं है। अब देखें क्या कर रहा है मार्केट, अभी भी देखो सेल में नहीं है, नहीं है, बाय की तरफ सर, अभी भी बाय में बैठा है। तो हम अक्सर यहां पर क्या करते हैं, अपनी सेलिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं और मार्केट वहां पर क्या करता है, अपनी बाय ढूंढ रहा होता है। यहां पर देखो तो कंफर्मेशन कब मिलेगा, ये देखो अच्छा खासा सेल में जा रहा था निफ्टी, और यहां पर बैंक निफ्टी सेल में जाने को तैयार नहीं है, लेकिन
अगर ऐसा मान ले, चलो ऐसा मान लेता हूं कि अगर मार्केट चला गया होता तो क्या होता, कोई बताए? अगर बाय चांस मार्केट यहां से वापस चला गया होता तो क्या होता, जल्दी से? रिट्रेसमेंट कर सकते हैं तो सर दोनों सेल में आ जाते सर, दोनों आपके आ जाते, राइट? तो इसका मतलब वहां पर मार्केट एक मूव ले सकता था, बड़ा अच्छा। वेट करें कि मार्केट देखें क्या करता है, मार्केट अभी गया नहीं। देखो आप दोनों बाय में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, दिख रहा है आपको? मैंने आपको क्या बोला, अच्छा खासा मार्केट सेल में चलने के लिए तैयार था, लेकिन बैंक निफ्टी ने जाने नहीं दिया ना, नहीं सर, बैंक निफ्टी ने जाने नहीं दिया। अब केस क्या है कि बैंक निफ्टी आ गया है अपने 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन निफ्टी नहीं आया ना, अभी नहीं आया सर। अब केस उल्टा हो गया, केस उल्टा अभी भी चल रहा है। अगर ये निफ्टी भी इसके ऊपर आ जाता है तो क्या होगा, ये इसके ऊपर रहता है और ये भी ऊपर आ जाता है, तब क्या होगा? बाय की तरफ सर, फिर एक बाय की तरफ चला जाएगा मार्केट। तो इसलिए एक ट्रेडर को, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, एक ट्रेडर को हमेशा दोनों साइड रहना चाहिए कि नहीं? यस सर, एकदम से दोनों साइड रहना चाहिए, ठीक है? आपको होता क्या है कि अक्सर आप तो सोचते हो सेल, आपके दिमाग में सेल ही सेल, सेल सेल चल रहा होता है, सेल होगा सेल होगा, और मार्केट सडन बाय में जाता है तो अपने आप को स्विच नहीं कर पाते आप, राइट? आप सेल ही सोचते रह जाते हैं और मार्केट फिर क्या करता है, बाय की तरफ मूव कर जाता है और आपको बड़ा लॉस देता है। तो इसलिए ट्रेडर को दोनों साइड पे रहना चाहिए। अभी देखो निफ्टी, निफ्टी क्या कर रहा है, इसके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, और ये इसका ओपन भी है कि नहीं है? ओपन भी है। अगर मार्केट उसके ऊपर चलेगा तो अपना बाय उठा सकता है, लेकिन अभी भी हमारे पास होप क्या है कि मार्केट अपने हाई के ऊपर नहीं निकला है, हाई का मतलब कल के हाई के ऊपर नहीं निकला है, तो अभी भी मार्केट हम एकदम से नहीं बोल सकते कि बुलिश है बहुत। तो अभी हम आराम से वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट यहां पर क्या करेगा थोड़े टाइम के लिए। अब देखें अगली 5 मिनट की कैंडल बन रही है, अगली अगर 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बन गई तो अब बताएं, ये तो ऊपर बैठा है, तब क्या होगा? जल्दी से कोई भी बैठा हुआ है। हाँ भाई, रिट्रेसमेंट तो बहुत बड़ा है, हम भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक रिट्रेस कर जाए, लेकिन कहां से रिट्रेस कर सकता है? ये रेजिस्टेंस है ना जी सर, यहीं से। इसके नीचे नीचे कर सकता है, बताओ रिट्रेस या नहीं? यस सर, इसके नीचे नीचे कहीं पर भी कर जाए सर। दोनों की सिमेट्री ठीक हो रही है ना, दोनों अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या है वहां से। अगर इस समय बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है तो ये निफ्टी को भी आराम से नीचे ला सकता है कि नहीं, बताओ? जी सर, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो आराम से निफ्टी को भी नीचे ला सकता है, और लेकिन ये कर क्या रहा है, देखो क्या कर रहा है, क्या नीचे जाने की तैयारी कर रहा है? सपोर्ट पकड़ रहा है, ऊपर जा रहा है 10 के मूविंग एवरेज से, ये तो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, ये देखो चला गया, ये तो बाय नहीं कर रहा है, सॉरी सेल तो नहीं कर रहा है, ये तो बाय करने की तैयारी कर रहा है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेल में जाते जाते बाय की तरफ चल दिए, नहीं चल दिए? सर मार्केट इसके ऊपर आ जाता है तो क्या होगा, बैंक निफ्टी सर क्लोज करके, क्लोज करता है, कैंडल खुलता है, फिर बाय में सर, तब तो आपका बाय शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं देखता हूं तो एक रेजिस्टेंस फिलहाल छोटा सा मेरे पास यहां का भी बचा हुआ है ना जी सर, या फिर ये बोलो ये लो है, मार्केट अगर इस लो को कवर करेगा तो सपोर्ट बना लेगा अपना या नहीं? यस सर, देखिए मार्केट तो फिर सपोर्ट बना लेगा अपना, फिर इशू क्या होगा, एक अच्छा खासा बाय बन जाएगा मार्केट का, तो हम तो सेलिंग सोच रहे हैं और मार्केट अपनी बाय की तैयारी कर रहा है, उल्टा हो गया। आप देखो बैंक निफ्टी चल दिया ऊपर की तरफ, अब अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो सपोर्ट बन जाएगा कि नहीं? यस, फिर तो सपोर्ट बन जाएगा, मार्केट को यहीं से रिटर्न करना चाहिए कि नहीं, अगर करना है तो? यही पॉइंट है जहां से मार्केट रिटर्न कर सकता है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट रिटर्न करता है या नहीं करता। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया, सपोर्ट बना लेगा, फिर मार्केट को इश्यू होगा, राइट है? और अगर मार्केट नहीं जाता, यहीं से रिटर्न करता है, तो फिर इसके नीचे मार्केट हमारा सेलिंग देगा, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है ये बताओ, क्रॉसओवर बाय का सर, ये तो तैयारी कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि मार्केट क्या करता है। इसीलिए मैं बोलता हूं एक ट्रेडर को अपने दिमाग को स्विच करना जरूरी है कि नहीं है, आप बताओ? यस सर। अगर किसी पर्सन ने सेल ही सेल सोच के बैठा होता और अपने दिमाग को स्विच ना करता तो उसको इश्यू हो जाता कि नहीं? बहुत बड़ा इश्यू हो जाता, राइट है? अगर आप यहां से चेक करें थोड़ा सिग्नल मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो मार्केट क्या कर सकता है, ये एक घंटा है,
दोनों को मैं एक घंटे पे लगा रहा हूं, मार्केट दोनों लाइन के ऊपर आ गया कि नहीं? जी सर आ गया घंटे भर के भी, ये देखो ये नहीं आया अभी, लेकिन बैंक निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी देखो चल रहा है ऊपर। अगर मैं 5 मिनट पे लेके जाता हूं, बैंक निफ्टी कहां पहुंच गया बताए? यस इसको मिले 5 मिनट में रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मार्केट सेलिंग से पूरा बाय में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? यस सर, ये तो मार्केट पूरा का पूरा बाय में कन्वर्ट हो गया। कहां सेलिंग जा रहा था और कहां बाय, कहां हम सेलिंग की सोच रहे थे, कहां बाय, किसने बचाया बताओ? बचाया किसने? बैंक निफ्टी ने जी सर, बैंक निफ्टी ने जाने नहीं दिया सर। अब बताओ ऐसी जगह पर कई सारे लोगों के पैसे डूब गए होंगे कि नहीं? यस और नो, जो सेल करके बैठे होंगे वो डूब गए होंगे पैसे या नहीं बताओ, या बचे होंगे? कोई भी बताए प्लीज। यस सर, बच गया। क्या हुआ होगा? बच गए होंगे डूब गए होंगे बताओ? डूब गए होंगे पैसे, जो जो सेल करने की ताक में बैठा होगा, सेल नहीं किया होगा, उसके बच गए होंगे। और अभी देखो मार्केट कहां पर आ गया, इसको 15 मिनट पे लाओ। 15 मिनट पे क्या कर रहा है मार्केट बताए? आगे बाय में, जबकि सारा सिनेरियो सेल में था कि नहीं था बताओ? सारा सिनेरियो सेल का बन रहा था, सब कुछ सेल का बन रहा था, और मार्केट यहां से उठ के सीधा बाय की तरफ आ गया। अब केस हमारे पास ये है कि भाई अब ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में मैंने आपको एक पॉइंट बोला है, कभी भी क्या करें, अगर आप सेलिंग में जाने वाले हो, राइट है, तो अगर सेलिंग में जाने वाले हो तो हमेशा पहले एक छोटी सी क्वांटिटी एंटर करके देखो। कभी भी सेलिंग में जाते हो छोटी सी क्वांटिटी को एंटर करो, बैंक निफ्टी दोनों को चेक करो, राइट। मैंने आपको एक पॉइंट समझा रहा था उस टाइम पर, और पॉइंट आपके पास ये था कि अगर निफ्टी नीचे आ रहा है और बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है तो उस केस में क्या होगा? देखो सपोर्ट पे जा रहा है मार्केट अब की बार आराम से, तो मार्केट में ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नीचे आ रहे हैं। अगर मैं मानता हूं कि निफ्टी का सपोर्ट मिला और बैंक निफ्टी गिर रहा है तो क्या होगा? निफ्टी का सपोर्ट और बैंक निफ्टी गिर रहा है, ये भी हो सकता है ये सपोर्ट से गिरा दे निफ्टी को भी, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि निफ्टी सपोर्ट ले रहा तो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट लेने को परेशान कर दे, मजबूर कर दे, पॉसिबल है या नहीं बताओ? पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो आप वेट करते हैं कि देखो मार्केट जो है क्या करता है। इस पार्ट पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट यहां पर करता क्या है, मार्केट को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम करता है। तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, जब निफ्टी सपोर्ट लेगा, अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले जाएगा तो आपका सबसे अच्छा मूव मिलेगा, वहां से आपको बहुत प्यारा मूव देखने को मिल सकता है। तो आप देखो यहां से अगर मैं सारा कुछ हटा दूं, अब देखो ये तो क्रॉसओवर ले गया, लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट दिखा रहा हूं आपको, और मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसको यहां से हटाता हूं। अब यहां से देखिए केवल मैं सीपीआर लगाता हूं थोड़ी देर के लिए, इस पे भी सीपीआर लगा देता हूं, इस पे भी सीपीआर लगा रहा हूं, मतलब पिवोट पॉइंट, राइट है। सीपीआर के साथ में आप चाहो तो इनको हटा सकते हो, ये देखो मैं हटा देता हूं यहां से, ये सारा मैं हटा देता हूं और इसको मैं यहां रख लेता हूं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं यहां से, सीपीआर की सारी लाइन हटा रहा हूं, केवल मैं सेंटर पिवोट रेंज रखता हूं। अब यहां पर इस पॉइंट को समझना जो आपके समझने के लिए अच्छा है। अब देखो दोनों के दोनों को अगर मैं एक घंटे पर बात करता, इसको भी एक घंटा लगाता हूं, इसको भी एक घंटा लगाता हूं, अब जरा मेरे को बताइए मार्केट में कौन पिवोट के नीचे था, कौन पिवोट के ऊपर था, जरा बताएं। यस, जल्दी से बताएं कौन पिवोट के नीचे और कौन पिवोट के ऊपर? निफ्टी 50 पिवोट के ऊपर है, राइट है, और निफ्टी पिवोट के नीचे है, यही था ओपन नीचे हुआ। अब यहां पर केस क्या हुआ, अगर आप देखते हैं तो यहां पर दो केस होने थे। पहला केस ये था कि निफ्टी नीचे आता, राइट है, और दूसरा केस क्या होता कि बैंक निफ्टी ऊपर चले जाता। दोनों में से किसने क्या किया बताएं? बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, चला गया। अगर आप इसको मार्क करके रखते यहां पर तो क्या देखने को मिलता? देखो अगर मैं इसको मार्क करता, अब अगर 5 मिनट में जाओगे, मैंने मार्किंग करके रखी, ये देखो इसके ऊपर आपका बाय बन गया था कि नहीं, ये 1 आवर का पिवोट है ना, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, यहां से गिर जाना चाहिए था ना मार्केट को, और मैंने आपको बोला अगर ये इसके 50% से ऊपर जाके चला गया तो एक बाय उठा सकता है, और मार्केट ने वही किया, देखो वही एक पॉइंट मार्केट ने पकड़ लिया। तो आप चाहो तो पिवोट पॉइंट के बेस पर भी ट्रेड कर सकते हो। अगर दोबारा दिखा देता हूं मैं, यहां पर केस आपके पास क्या हो रहा है, मार्केट देखो यहां पर ये निफ्टी जो आपका है पिवोट के ऊपर है और बैंक निफ्टी पिवोट के नीचे है,
होना क्या चाहिए था रूल के मुताबिक कि अगर बैंक निफ्टी नीचे खुला है तो और निफ्टी नीचे चल रहा है तो बैंक निफ्टी को नीचे ही मूव करना चाहिए था। निफ्टी बैंक निफ्टी में दो पॉइंट मिल गए आपको, पहला तो ये सपोर्ट मिल गया राइट, और दूसरा पिवोट के पास में है क्योंकि निफ्टी ऊपर है, तो अब यहां पर कई चांसेस बन सकते थे, हम वेट कर सकते थे नीचे सेलिंग का, लेकिन सेलिंग आई नहीं तो अभी हम बाय का ही वेट करेंगे। लेकिन इशू क्या है, अब चूंकि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर चला है तो मेरे रेजिस्टेंस कौन कौन से होंगे जरा बताएं, क्या दोनों रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस के पास बैठे हुए हैं राइट है, तो अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि यहां पर मार्केट करता क्या है, मार्केट एक रिट्रेस करके तब ऊपर जा सकता है। ये देखो अगर मैं पास में देखूंगा तो मैं अपना रेजिस्टेंस को मार्क करता हूं, इनको समझे, ये मैंने रेजिस्टेंस को मार्क किया और यहां का भी रेजिस्टेंस में मार्क कर लेता हूं, ये रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं यहां पर 5 मिनट पे जाता हूं और यहां पर भी 5 पे आते हैं राइट, यहां पर भी 5 मिनट पे चलते हैं, तो अब देखिए मार्केट क्या करने की तैयारी में, मार्केट एक रिट्रेस कर रहा है, कहां तक आ सकता है मार्केट जरा प्लीज कोई बताए, ये मार्केट आ कहां तक सकता है, ऐसे करिए छोटा, तो मार्केट के सपोर्ट कौन से, यही सपोर्ट है, देखें मार्केट कहां तक जा सकता है। अगर मैं केवल निफ्टी या निफ्टी बैंक में किसी में भी ट्रेड करना चाहूं, मैं बोलता हूं चलो मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड करता हूं या निफ्टी में कहीं पर भी आप ट्रेड कर लें, तो वो ट्रेड आपके पास कैसे एग्जीक्यूट होगा, देखो मार्केट क्या कर रहा है, बाय में जाने की तैयारी में है ऊपर, अगर नीचे आएगा तो कहां तक आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से कहां तक जाएगा अगर नीचे मार्केट आता है तो, कौन बताएगा, 50 या 61% इतने तक ही आ सकता है, यस सर, इतने तक ही आएगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं, इससे नीचे जाएगा नहीं, लेकिन मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर गया तो क्या होगा, यहां पर निफ्टी अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी से, ये देखो आपने रेजिस्टेंस, सॉरी तब एक बड़ा मूव आ सकता है ऊपर, यस बड़ा मूव, आप देखो अभी हम 5-10 मिनट पहले, देखो अभी हम 5-10 मिनट पहले किसकी बात कर रहे थे, सेल की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, अभी ठीक 5 मिनट बाद हम बाय की बात कर रहे हैं, सब उल्टा हो गया ना राइट है। अब कई सारे लोग ये भी बोल रहे होंगे भाई ये ट्रेडर कैसे होते हैं, अभी तो सेल की बात कर रहे थे, बाय की ये थोड़ा तरीका होता है, सेल है तो सेल ही रखो ना, नहीं रख सकते, मार्केट बड़ा है कि नहीं है, माई बाप कौन है, मार्केट है ना राइट है, मैं मार्केट के अगेंस्ट में थोड़ा ना जा सकता हूं, मार्केट अगर सेल बोल रहा है मैं भी सेल का वेट कर रहा था, अगर कंफर्मेशन मिल जाती तो मैं सेल ले लेता, देखो मार्केट में अगर मैं यहां देखता हूं मेरे पास कंफर्मेशन थी, मार्केट अपने लो में खुला था, लो ब्रेक कर रहा था, निफ्टी ने सारा पैरामीटर सेल के पूरे किए किए, लेकिन क्या बैंक निफ्टी ने पूरे किए अपने पैरामीटर सेल के, नहीं किए ना, जब दोनों पूरा कर लेते तो मैं सेल में चला जाता, लेकिन जब नहीं किए और मार्केट मूव कर गया और निफ्टी को भी ऊपर ले गया तो फिर मार्केट में सेलिंग करने का कोई कंसेप्ट नहीं रह जाता। तो अब मैं यहां पर चेक कर रहा हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाले, अगर मैं निफ्टी को देखता हूं निफ्टी यहां से ऊपर चलना चाहिए कि नहीं बताए, यस या नो, क्या निफ्टी को यहां से ऊपर चलना चाहिए या नहीं बताओ, हाँ या ना, देखो हाई के ऊपर, हाई के ऊपर यहां पर देखो, अब मार्केट को यहां से देखता हूं, हालांकि बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है एक मारुबोजू टाइप, यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कैंडल यहां क्लोज हो जाए ना ऊपर, 1 घंटे की होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा, वेट करते हैं मार्केट क्या करता है, मार्केट अपना रिजेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन अगर कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं यहां पर मार्केट क्या करता है, मारुबोजू कैंडल बनी है तो मार्केट में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग लोग कर सकते हैं, क्योंकि सडन लोगों को एक पैसा मिला होगा तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं लोग, अब यहां पर वेट करें। अब मार्केट क्या कर सकता है, यहां से क्या क्या कर सकता है जरा बताएं, मार्केट ये सपोर्ट लेके वापस जा सकता है, यस यही सपोर्ट है, यस मार्केट यहां से अगर ये रिट्रेसमेंट का टाइम होता है और बैंक निफ्टी का भी टाइम एक बार चेक कर लें, बैंक निफ्टी का सपोर्ट कौन सा है, बैंक निफ्टी का अप्रोक्स सपोर्ट यहां पर कहीं है राइट है, तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं ये बोलूंगा कि मार्केट अगर वेट करना है अब अगर मार्केट इसे अब की बार देखो लेवल को टेस्ट कर रहा है अगर अब इसके ऊपर चलेगा तो बाय में जा पाएगा दोबारा से या नहीं, यस
लेवल टेस्ट कर रहा है, अगर उसके ऊपर चला दोबारा से मार्केट बाय में जा पाएगा। अब वेट करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों अब 5 मिनट के पिवोट के ऊपर है। देखो निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी दोनों पिवोट के ऊपर है, और अगर ये अब सपोर्ट ले जाते हैं कहीं से भी, चाहिए पिवोट तक आ जाए, लेकिन अगर सपोर्ट ले जाएंगे तो मार्केट एक अच्छा मूव ऊपर कर पाएगा दोबारा से या नहीं बताएं? दोबारा से बाय में चला जाएगा मार्केट। तो अब मेरे को कभी भी रेड कैंडल में एंट्री नहीं करनी, रेड कैंडल मेरे को चाहिए नहीं। जब ये ऊपर बैक करके ग्रीन करना शुरू करेगी तब मेरी एंट्री बनेगी ना? यस या नो? एंट्री समझ में आ गई सबको कि मेरी एंट्री बनेगी कब? अभी मैं रेड कैंडल पे कोई एंट्री नहीं लूंगा, चलने दो। रेड कैंडल तो कितनी भी नीचे आ सकती है कि नहीं? रेड कैंडल तो कितनी भी नीचे आ सकती है, तो मैं कम से कम इसकी ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा कि मार्केट की ग्रीन कैंडल बन जाए, तब जाके मैं अपनी कोई एंट्री डालूंगा, तब तक मेरी एंट्री नहीं रहेगी। वेट करें, और इसमें आपका 5-10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। हो सकता है मार्केट यहीं घूमता रहे, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट यहीं पर। देखो क्या हुआ, क्या देखने को मिला जरा बताएं, कौन बताएगा क्या देखने को मिलता है? मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर के लिए? यस सर। अभी करा नहीं है। मैं यहां पर इसलिए मैं बोलता हूं रेड कैंडल पे कभी भी एंट्री नहीं करनी, आपकी एंट्री हमेशा इसके ऊपर। अब देखो मार्केट इसके ऊपर एक क्लोजिंग करनी चाहिए कि नहीं? लाइव चल रहा है मार्केट, तो मार्केट को अब क्या करना चाहिए बाय के लिए? अगर मार्केट को जाना है, देखो इस लेवल को मार्केट ने अपना क्रॉस भी किया नहीं किया, तो एक कैंडल ऊपर क्रॉस होनी चाहिए तभी तो जाके मार्केट बाय में जाएगा। अभी तो गया ही नहीं है मार्केट। अपना सपोर्ट को पकड़े, सपोर्ट कौन सा, ये सपोर्ट पकड़े मार्केट और इसके ऊपर चले। दो कंडीशन मेरी पूरी होनी चाहिए तब जाके मेरा कोई बाय बनेगा, तब तक मेरा कोई बाय नहीं आएगा। अब देखो मैं वेट कर रहा हूं मार्केट कौन कौन से सपोर्ट पकड़ सकता है। अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी कौन कौन से सपोर्ट पकड़ सकता है? एक सपोर्ट ये है, और नीचे कौन सा सपोर्ट है बताएं? ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, इनमें से कोई भी सपोर्ट मार्केट पकड़ सकता है, लेकिन पिवोट के नीचे नहीं आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आएगा तो बियरिश शुरू हो जाएगा मार्केट, तो पिवोट के नीचे नहीं आना चाहिए। पिवोट के ऊपर ऊपर कहीं पर भी मार्केट रहेगा तो ओके है। अब मार्केट को मेरे को वेट करना है, मार्केट अगर पिवोट तक भी आ जाए तब भी कोई इशू नहीं, यहां से वापस चले जाना चाहिए मार्केट। तो मैं वेट करूंगा मार्केट के वापस जाने का कि वापस कहां पर जा सकता है। जहां से भी वापस चलेगा मैं वहां से अपनी एंट्री बना सकता हूं। अब देखो वेट कर रहे, वेट एंड वॉच। यहां पर ये भी आपका ये बैंक निफ्टी हो गया और ये निफ्टी हो गया, दोनों देखो अभी हल्का सा बियरिश चल रहे। क्या होना क्या चाहिए? ये कैंडल आपका ग्रीन जानी चाहिए वापस, ग्रीन जाके तब ऊपर चली जानी चाहिए, और मार्केट अभी गया नहीं है। देखो ऊपर थोड़ा सा वेट करें और देखें, मार्केट अभी 5-10, 15 मिनट ले सकता है। मार्केट को एकदम से ऐसे मत करें कि अभी का भी सब हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मार्केट थोड़ा सा टाइम दो मार्केट को। अब मार्केट ने नई कैंडल बनाई, नई कैंडल को क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके ऊपर जाना चाहिए ना, आप बताओ, सपोर्ट लेने के लिए, राइट? यहां पर ये वाली कैंडल है, इसका भी सपोर्ट मिलना चाहिए। चलो निफ्टी पे एक ही पे बात कंसंट्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपका सही रहेगा। अब यहां से चेक करें ये निफ्टी को, अगर निफ्टी बैंक छोड़ भी देता हूं एक बार को, मैं निफ्टी पे ही 2 मिनट के लिए कंसंट्रेट कर देते हैं। निफ्टी 50 इसी को देख लेते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 को 1 मिनट पे देखता हूं, रिएक्शन जरा चेक कीजिए, दोनों का रिएक्शन क्या हो रहा है। ये इसका सपोर्ट लेवल है, मैं मार्किंग कर देता हूं इसकी, और ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है। अब देखते हैं मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैंने ये कर दिया, पिवोट के ऊपर है मार्केट का। किसके ऊपर बाय आती है कोई बताए? यहां पर किसके ऊपर बाय आती है कम से कम इस कैंडल के ऊपर? हाई के ऊपर तो जाए कम से कम। तो अब मार्केट क्या कर रहा है? अब देखो मार्केट ने उस सपोर्ट, जो हमारा सपोर्ट था, उसके ऊपर कैंडल को क्लोज किया है, और मेरे को क्या चाहिए? इसके ऊपर बाय। तो वेट करते हैं क्या मार्केट उसके ऊपर जाता है या नहीं जाता है, इस बात को हमें थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट क्या करता है। छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, दोनों को आपको एडजस्ट करके चलना है। अगर मैं यहां पर देखता हूं मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट को अपनी पुरानी वाली रेड कैंडल के ऊपर बाय में जाना चाहिए, ये रूल बोलता है, राइट है, तब आपका बाय होगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको, इसके ऊपर आपका बाय होगा, ठीक है। अब केस आपके पास ये आ जाता है कि भाई ये पुरानी वाली जो कैंडल है, कैंडल ये वाली है, तो ये जो मैंने
करा हुआ है, ये देखो पुरानी वाली ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, सॉरी, तो पुरानी वाली रेड कैंडल कौन सी है, ये वाली, तो इसके ऊपर मार्केट को चलना चाहिए ना। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है और राइट साइड में क्या दिख रहा है आपको बताएं, लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा है? ये आपका 5 मिनट की कैंडल यहां क्लोज होनी चाहिए तभी तो सपोर्ट बनेगा, यस। अभी तो सपोर्ट नहीं बना, अभी तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो 5 मिनट के कैंडल कम से कम यहां क्लोज होनी चाहिए इस सपोर्ट के ऊपर, तब जाके सपोर्ट माना जाएगा। और ये कैंडल भी बीच में कहीं क्लोज होनी चाहिए 1 मिनट की। 1 मिनट के कैंडल को अगर मैं बोलता हूं तो देखो ये मार्केट का डाउन आया, कम से कम इसके ऊपर मार्केट को चलना चाहिए, ये 1 मिनट की कैंडल बोलती है आपको। और 5 मिनट की कैंडल क्या बोलती है भाई, ऊपर क्लोज होना चाहिए मार्केट को कहीं पर भी, तब जाके मार्केट ऊपर चल सकता है। तो वेट करना है, वेट एंड वॉच। मार्केट को एकदम से ट्रेड नहीं लेना कि गए और ट्रेड ले लिया, मार्केट को पहले ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद जब आपको लगे मेरी पोजीशन राइट है तब आप राइट पोजीशन के अंदर एंट्री करो, तब आपको सबसे ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। अभी अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर हो क्या रहा है, देखो मार्केट अभी भी यहां पर क्लोजिंग करे बैठा है, मतलब सपोर्ट के ऊपर 1 मिनट में, जबकि यहां नहीं दिख रहा है, यहां पर आपका सपोर्ट के ऊपर मार्केट है और ये मार्केट का एक डाउन में लगा था, तो मार्केट को मिनिमम से मिनिमम 1 मिनट में इसके ऊपर जाना चाहिए अगर बाय में जाना है तो। लेकिन अगर नहीं जाना तो मार्केट फिर पिवोट के अगर नीचे आ गया तो सेलिंग है, तब आप सेलिंग आराम से कर सकते हो, मतलब तब सेलिंग के लिए सोच सकते हो, लेकिन अभी तो बाय है। सोचा था हमने सेल मगर नहीं आई सेल, और अभी मार्केट बाय में बैठा है, तो वेट करते मार्केट क्या करता है, वेट एंड वॉच। कौन कौन से सपोर्ट है, मार्केट के सपोर्ट मार्क करके रखो और उसके हिसाब से ट्रेड करना। यहां पर देखो निफ्टी अभी सपोर्ट पर नहीं आया है, वेट कर रहा है। निफ्टी बैंक को देखें जरा, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, पहले इनकी स्टडी बहुत जरूरी है, तब तो आप बाकी कहीं जाओगे काम करने के लिए। देखो क्या कर रहा है निफ्टी बैंक, क्या कर रहा है बताएं, ये डाउन में आया था, ऊपर चलने की ट्राई कर रहा है, 61% के आसपास बैठा हुआ है। अब अगर निफ्टी बैंक भी ऊपर चला जाता है और निफ्टी भी इसे ब्रेक करके ऊपर जाता है तो क्या होगा, एक बाय बन जाएगा आपका, अच्छा बाय बन जाता है। तो क्योंकि मार्केट पहले से भी बाय लेके आया है तो मार्केट हो सकता है इसके ऊपर अपना बाय पकड़ ले, थोड़ा वेट करें। मूविंग एवरेजेस क्या बोल रहे हैं आपको, अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूं जो हमने पहले लगाए थे वो आपको क्या बोल रहे हैं, यहां पर लगा के देख ले, ये मूविंग एवरेज है और ये मैंने 10 का लगाया जो हमने लगाया था, ये 10 वाला मूविंग एवरेज है और ये 5 वाला, राइट है। दोनों मूविंग एवरेज को लगा के देख ले, दोनों मूविंग एवरेज क्या बोल रहे हैं, ये मेरा 5 का आ गया, इसे मैं कर देता हूं ब्लू, ये ब्लू है ये रहा। अभी क्या बोल रहे हैं मूविंग एवरेज, बाय बोल रहे हैं या सेल बोल रहे हैं बताएं, ये तो बाय बोल रहे हैं, अभी तो सेल में नहीं जा रहे, राइट है। इसे 10 कर देता हूं मैं और इसे रेड रहने देते हैं और इसके ऊपर एक और लगा लेते हैं मूविंग एवरेज और ये लगा लेते हैं 5 का और इसे कर लेते हैं ब्लू, सेम। अभी चेक करें दोनों के दोनों किस में है, बाय में है या सेल में बताएं, ये तो दोनों ही बाय में चल रहे हैं अभी, तो अभी तो सेल करने का फिर कोई कंसेप्ट भी नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं वेट कर सकता हूं कि मार्केट हाई को क्रॉस करे। मतलब आपका मूविंग एवरेज कैसे हेल्प करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मूविंग एवरेज कैसे कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये देखो निफ्टी, आपका निफ्टी बैंक कहां जा रहा है, निफ्टी बैंक हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ये भी इसका मतलब ऊपर जा सकता है, ये इसके ऊपर जाएगा तो अपनी बाय पकड़ेगा, अभी गया नहीं है, मार्केट धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा है, तो निफ्टी बैंक चला है ऊपर और निफ्टी अभी ऊपर नहीं चला है, थोड़ा सा रुका हुआ है। अगर मैं दोनों को 1 घंटे में चेक करता हूं, ये तो 1 मिनट में चेक कर रहा हूं, 1 घंटे में क्या हो रहा है, देखे एक बड़ा मूव और मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट का फिर से एक सपोर्ट बन जाता है बहुत बड़ा, तो मार्केट को यहीं कहीं से एक रिजेक्शन लेना पड़ेगा, अगर मार्केट को लेना है तो यहीं कहीं से एक रिजेक्शन चाहिए मार्केट को। वेट करते हैं, देखो यही रिजेक्शन का पॉइंट है, अगर मार्केट को जाना है तो यही कहीं किसी भी पॉइंट पर रिजेक्शन ले ले मार्केट, वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जबकि मार्केट ने लिया नहीं है, मेरे को यहां पर एक रिजेक्शन चाहिए, छोटा सा रिट्रेसमेंट बोलो, रिजेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे को यहां पर चाहिए, अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जबकि सब कुछ बाय में है, लेकिन अगर मार्केट एक एनवेव बना के चले तो ज्यादा अच्छा होगा ना, यहां पर तब आप ज्यादा अच्छा बाय कर पाएंगे, तो मेरे को वेट करना है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ये मार्केट ने लेवल को ब्रेकआउट किया तो मार्केट अपना टेस्टिंग के लिए रुक रहा हुआ है या नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं,
डन, ऐसा भी बोल सकते हो कि मार्केट अपने लेवल की टेस्टिंग कर रहा है, तो अब अगर यहां से ऊपर जाएगा तब मार्केट आराम से बाय में जा पाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट करेगा क्या, वेट एंड वॉच, ये जगह वेट एंड वॉच करने की होती है। जैसे ही कोई लेवल ब्रेक हो थोड़ा सा वेट करो कि मार्केट वहां पर क्या बाय में जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर बाय में जाए तो बाय ले लो। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलेगा अपने हाई को क्रॉस करता है, आप आराम से बाय में जा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा बाय में जाने में, आपको थोड़ा सा वेट कर लो, अदरवाइज मार्केट रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा पिवोट पॉइंट तक आ सकता है, पिवोट पॉइंट तक आ जाने देना, अगर पिवोट पॉइंट तक आएगा यहां से ऊपर चलेगा अपना बाय फिर से पकड़ पाओगे आप। लेकिन मार्केट को यहां पर एकदम से सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट एक बड़ा मूव लेके गया है बाय में, तो एकदम से सेल नहीं करना जब तक कि इस दोनों के नीचे ना आ जाए मार्केट, तब तक गलती से भी सेल नहीं करना, तब तक अपने आप को बाय में ही रखना, अपने आप को बाय में रखना, मार्केट अपना सपोर्ट बनाएगा हो सकता है और तब यहां से ऊपर चलेगा, थोड़ा सा सपोर्ट बना के और फिर ऊपर चलेगा मार्केट, तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मैं क्लास में यहां पर रोकता हूं, फिर मिलते हैं हम लोग, बस ये छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना कि कब आपको निफ्टी को एनालिसिस करना है, कब बैंक निफ्टी को एनालिसिस करना है, कैसे करना है, ये